हेलो फ्रेंड्स, दिस इज वरुण मल्होत्रा अगेन। और हम इस पिछली वीडियो में बात कर रहे थे कि क्या सेंसेक्स निफ्टी 15% रिटर्न देगा, या हम एजम्पशन क्यों ले लेते हैं कि रिटर्न 15% देगा। और उसमें हमने क्या बात की थी, उसमें हमने ये बोला था कि सेंसेक्स 1979 में जो स्टार्ट हुआ था तो उसका CAGR 16% से ज़्यादा रहा है, डिविडेंड मिला के और भी ज़्यादा रहा है। बट प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप अलग अलग बेस ईयर से स्टार्ट करें, 2009 के बॉटम पे देखें तो रिटर्न बहुत अच्छा दिखता है, पीक से देखें तो कम दिखता है। तो हमने बोला था वैसे तो रिटर्न बहुत वेरी करता है, लेकिन हम लंबे समय में इसलिए मान लेते हैं कि 15% देगा क्योंकि इंडिया की GDP नॉमिनल टर्म्स में, मतलब इन्फ्लेशन प्लस इन्फ्लेशन के साथ अगर हम अपना रियल ग्रोथ ऐड कर दें तो उसको बोलते हैं हम नॉमिनल ग्रोथ, वो 15% से रही है। अब क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन, कि क्या इंडिया की ग्रोथ अगर फ्यूचर में 15% नहीं रही, विच इज नॉमिनल ग्रोथ, जो इन्फ्लेशन प्लस रियल ग्रोथ ऑफ जीडीपी होती है जिसको हम बोलते हैं नॉमिनल ग्रोथ, अगर वो 15% नहीं रही तो क्या सेंसेक्स निफ्टी का रिटर्न 15% नहीं रहेगा? तो आंसर इसका भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि नहीं, ऐसा नहीं है। हमको अभी भी लगता है अगर जीडीपी ग्रोथ रेट जीरो भी हो जाए तो भी चांसेस हैं कि हमको 15% रिटर्न मिलता रहेगा। तो ये वीडियो उसको समझाएगी। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपको हमारा अवेयरनेस प्रोग्राम करना है, विच इज फाइनेंशियल लिटरेसी अवेयरनेस प्रोग्राम, जो एक फ्लैप जिसको हम बोलते हैं, जो 4 घंटे का प्रोग्राम है, जो नो नथिंग इन्वेस्टर को बताता है कि वो कैसे इन्वेस्ट करे, तो आप नीचे लिंक में एक डिस्क्रिप्शन दिया है उस पर क्लिक करके या varunmalhotra.co.in पे जाके आप वहां जाके उसको रजिस्टर कर सकते हैं फ्री में और उसको देख सकते हैं। दूसरा, हमारी वीडियोस को सब्सक्राइब करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो अगर आप बीच में पॉज करना चाहते हैं तो पॉज करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि हम ऐसी वीडियोस देते रहेंगे। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे कि अगर इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट, क्योंकि अभी तक हमारा एजम्पशन ये था क्योंकि जीडीपी 15% से बढ़ रही है इसीलिए हमको 15% मिलेगा, तो क्या अगर जीडीपी ग्रोथ रेट 15% ना रहे तो क्या हमको नहीं मिलेगा? ऐसा नहीं है। समझते हैं क्यों? क्योंकि ग्रोथ रेट चाहे जीरो भी हो लेकिन कंपनीज अगर 8% पे पैसा बोरो कर रही है तो बिजनेस वही किया जाएगा जिसका रिटर्न 14-15% हो। क्योंकि अगर मेरा बोरोइंग रेट 8% है और मेरा रिटर्न बिजनेस का 7% है तो भी मैं बिजनेस नहीं करूंगा। लेकिन होगा क्या, नए बिजनेसेस कभी क्रिएट नहीं होंगे। नए बिजनेसेस क्यों क्रिएट नहीं होंगे? क्योंकि मैं 8% पे पैसा बोरो करूंगा, 15% पे मैं कमाऊंगा, लेकिन ये 15% मैं कभी रीइन्वेस्ट नहीं करूंगा। तो मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा, जब इंडिया एक डेवलप कंट्री बन जाए, अगर मान लेते हैं हाइपोथेटिकली कि इतनी डेवलप हो जाए कि फ्यूचर में कोई ग्रोथ का कोई स्कोप ही नहीं है, मतलब कंजम्पशन बढ़ी नहीं रही या प्रोडक्शन बढ़ी नहीं रही, सब जिनके पास जितना कंज्यूम कर सकते थे सब लोग अपने पीक पे कंज्यूम कर रहे हैं और हम उतना प्रोड्यूस पीक पे प्रोड्यूस कर भी रहे हैं, तो अगर कभी ऐसा हुआ तो मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा, कंपनीज 8% पे बोरो करके अगर 8% बोरोइंग रेट होगा तो 15% कमाएंगी लेकिन कभी रीइन्वेस्ट नहीं करेंगी। रीइन्वेस्ट क्यों नहीं करेंगी? क्योंकि कंजम्पशन बढ़ी नहीं रही, तो ये पूरे के पूरे 15% वो हमको डिविडेंड के फॉर्म में दे देंगी। तो आप देखेंगे सेंसेक्स जो है वो 36,000 पे अगर है तो 36,000 ही रहेगा क्योंकि जीडीपी नहीं बढ़ रही तो सेंसेक्स भी 36,000 पे रहेगा, लेकिन ये कंपनीज 15% डिविडेंड देते रहेंगी। तो अगर आप सेंसेक्स का TRI देखेंगे, यानी कि टोटल रिटर्न इंडेक्स डिविडेंड मिला के, तो आपको दिखेगा कि TRI अभी भी 15% बढ़ रहा है लेकिन सेंसेक्स रियल टर्म्स में जो हमको नंबर दिख रहा होगा तो वो नंबर में ग्रोथ बिल्कुल नहीं हो रही होगी, वो 36 का 36 ही होगा। और ये प्रूव करने के लिए आप अमेरिका जैसी कंट्री का डेटा भी देख सकते हैं। तो अगर आप अमेरिका जैसी कंट्री का रिटर्न देखें तो अमेरिका का रिटर्न 2002 S&P 500 US में जो इंडेक्स है उसका अगर मैं रिटर्न देखूं तो उसका रिटर्न 9.7% है 2002 से अब तक, करीब 16 साल में करीब 9.7% है। 9.7 बहुत हाई रिटर्न माना जाएगा वहां पे क्योंकि बैंक रेट काफी कम है, और उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो 9.7 इंडेक्स में ही दिखता, इंडेक्स तो ऐसा लगता है 7.5% से ही बढ़ रहा है क्योंकि 2.3% वो डिविडेंड डिक्लेयर कर देती है। तो अगर आपने नोटिस किया, एक डेवलप कंट्री जो 10% से बढ़ती है, अपनी जो ग्रोथ हुई है, जितना पैसा उसने कमाया है, रिटर्न कमाया है, उसमें से बहुत बड़ा मेजर चंक जो है वो डिविडेंड डिक्लेयर कर देती है। इसलिए डिक्लेयर कर देती है क्योंकि ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज वहां पे कम होती है। यही अगर आप इंडिया जैसी कंट्री देखेंगे तो क्या होगा, मोस्ट प्रोबेबली आपको रिटर्न अगर 15% मिल रहा होगा तो डिविडेंड सिर्फ 1.5% का ही होगा। तो अगर आप देखें, हम 15 में से सिर्फ 1.5 ही देते हैं और बाकी 13.5 को रीइन्वेस्ट कर देते हैं, जबकि डेवलप कंट्रीज जो है 9.3 में से 2.3 डिविडेंड दे देती हैं और सिर्फ 7.5 ही वापस कंपनी में रहता है और वो बढ़ता रहता है। तो जब इंडिया भी एक डेवलप्ड इकोनॉमी बन जाएगी तो आपका TRI चेंज नहीं होगा, तो आपको 15 मिल ही जाएगा, बट सेंसेस की ग्रोथ आपको शायद 15 नहीं दिख रही होगी।
लेकिन अब और देख लेते हैं कि अदर मेजर चैलेंजेस क्या हो सकते हैं इस 15% एजम्पशन के पीछे। एक है कि गलती जहां हो सकती है हमारी, वो लोअर इन्फ्लेशन है, क्योंकि हम जब 15% बोल रहे हैं सेंसेक्स निफ्टी का रिटर्न, तो वो तब बोल रहे हैं जब हम जीडीपी मान रहे हैं 8% की, इन्फ्लेशन मान रहे हैं से 6% का, और 1% से क्योंकि अनऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइज में जुड़ रहा होगा तो उसको हमने थोड़ा सा फास्टर मान लिया है। इसमें हमने अज्यूम किया है कि महंगाई 6% से बढ़ रही होगी, तो अगर फ्यूचर में महंगाई 1% 2% से बढ़ने लगी तो आपका रिटर्न 10-11% हो जाएगा, क्योंकि 8% की बढ़ रही होगी रियल ग्रोथ, 2% का इन्फ्लेशन और 1% शायद अनऑर्गेनाइज बिजनेस से ऑर्गेनाइज में जुड़ रहा होगा, तो वो रिटर्न हमारा 11 हो जाएगा। लेकिन इससे हमें शायद कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फर्क इसलिए नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि आपको 11 मिल रहा होगा या 10 मिल रहा होगा, उसमें से 2 इन्फ्लेशन होगा, रियल रिटर्न अभी भी आपका 8% ही चल रहा होगा। तो एज अ इन्वेस्टर नॉमिनल टर्म्स में हो सकता है, जैसे इंडिया में आपको 16 मिलता है तो खुशी होती है, लेकिन अगर इन्फ्लेशन 6% हो तो हाथ में तो 10 ही% आया, तो मेरे को कोई 10-16 दे के 6 इन्फ्लेशन हो और मेरे को 10 मिले, या मेरे को 11 मिल के 1 इन्फ्लेशन हो और मेरे को 10 मिले, दोनों केस में रियल टर्म्स में मेरे को 10% ही मिल रहा है। तो आई थिंक इन्फ्लेशन से आपको चिंता करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। बट जो सबसे बड़ा थ्रेट है इस 15% ना पाने का, वो क्या हो सकता है, वो है कि हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी ही डिस्ट्रॉय हो जाए या हमारी कंजम्पशन कैपेसिटी डिस्ट्रॉय हो जाए। ये कब हो सकता है, कोई बहुत बड़ी वॉर हो गई समझिए, और हमारे जो बड़े बड़े प्लांट्स हैं या कोई फैक्ट्रीज हैं, उन फैक्ट्रीज को एक रात में सब डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, तो हमारी जीडीपी प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएगी क्योंकि हमारी एबिलिटी टू प्रोड्यूस ही किल हो चुकी है। तो ये बहुत बुरी तरह हमारी इकोनॉमी को हिट कर सकता है। तो जो हर कंट्री के लिए सबसे डेंजरस चीज है वो वॉर है। लेकिन अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी हिट होती है तो मेरे को फिर भी इतनी घबराहट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन कैपेसिटी हिट हो गई, मान लेते हैं कोई ब्रिज कोलैप्स हो गया, लेकिन हम ब्रिज को फिर से बना देंगे, क्योंकि हम ब्रिज को इसलिए बना देंगे क्योंकि जरूरत तो ब्रिज की अभी भी है ही। लेकिन डर सबसे ज्यादा तब है जब हमारी ह्यूमन रेस का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा वही वाइप आउट हो जाए दुनिया से। मतलब दुनिया की पॉपुलेशन 7 बिलियन है, कल रात को 4 बिलियन लोग एकदम से खत्म हो गए बिकॉज ऑफ वॉर, तो 3 बिलियन ही रह जाएंगे। तो हमारी कंजम्पशन कैपेसिटी ही किल हो जाएगी, प्रोडक्शन कैपेसिटी भी किल हो गई, कंजम्पशन कैपेसिटी भी किल हो गई। ये हमारे 15% का सबसे बड़ा रिस्क है। तो जैसे माना जाता है, हर इकोनॉमिस्ट को यह बहुत डर होता है कि जो एक मेजर वॉर है वो ग्रोथ के लिए सबसे ग्रोथ के हिंड्रेंस के लिए सबसे बड़ा एक फैक्टर हो सकता है, जो हमको याद रहना चाहिए। तो आई होप आप ये समझ सके कि हम जब 15% ज़ूम करते हैं उसमें क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, हम क्यों मानते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करना मत भूलिएगा अगर इफ यू हैव लाइक द वीडियो, और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।